नाजरीन आप देख रहे हैं इनफ्लिक्स न्यूज 24/7। हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इनफ्लिक्स न्यूज को, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका भाई सैयद अब्दुल रऊफ। जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल हम मस्जिद बिल्किस पे मौजूद है जो सेवन टाउन्स पे मौजूद है। इसकी इफ्तिताह है कल जो है ना, उसी सिलसिले में हम यहाँ पे मस्जिद के इफ्तिताह के लिए बात करने के लिए आए। हमारे साथ हमारे शब्बीर मोहम्मदी साहब मौजूद है, इंशाल्लाह और मज़ीद तफसीलात हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं सैयद शब्बीर अहमद मोहम्मदी इस बात का ऐलान करता हूँ कि कल मस्जिद बिल्किस बाद नमाज जुमा यहाँ पर एक इज्तिमा का इनेकाद किया गया है जिसमें मुख्तलिफ़ उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। आप तमाम अहबाब से पुरखलूस गुजारिश की जाती है कि इस इज्तिमा में कसीर तादाद से शरीक हों ताकि कौम के लिए फ़ायदा मंद हों। हम अपने बच्चों को और दोस्त अहबाब के साथ इस जलसे आम में शरीक हों और ये इज्तिमा कल बाद नमाज असर से बाद इशा तक इस इज्तिमा का इनेकाद अमल में लाया गया है। आप तमाम लोग इसमें तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। जो मस्जिद के तालुक से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस तालुक से आप क्या बोलना चाहेंगे? तमाम बातें बेबुनियाद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्नमा यअमुर मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर। मसाजिद वो लोग तामीर करते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं। ये मस्जिदें मस्जिद के तालुक से जो बेबुनियाद बातें बयान की जा रही हैं ये बेबुनियाद हैं। रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मोहम्मद वहीद अली, हैदराबाद ओल्ड सिटी यूथ का सदर, इस बात का मैसेज देता हूँ। ये मस्जिद बिल्किस टोली चौकी में जो आबाद हुई है, जो नई मस्जिद बनी है, मैं तमाम नौजवानों से ये अदबन रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अल्लाह का घर है। यहाँ पे हर कलमे वाला जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ने वाला बंदा है, हर मुस्लिम के लिए जो ये मस्जिद के दरवाज़े खुले हुए हैं। ये कोई फ़िरक़े की बात नहीं है। हर मस्जिद में हर फ़िरक़े का, हर जो है अहले हदीस हो, सुन्नतुल जमात हो, तबलीगी जमात हो, वहाँ लिखा हुआ नहीं रहता मस्जिद के बाहर के भाई इनका जो है आना मना है। सब लोग अल्लाह के घर में आ सकते हैं और मस्जिद अल्लाह का घर होता है। तो मैं जो भी जो है ये मस्जिद के ख़िलाफ़ में जो अपने ही कौम के लोग कुछ जो है जो अपनी जो है कौम को जो बरगला रहे हैं उनकी बातों में ना आएँ और सब मुत्तहिद हैं कलमे की बुनियाद पर, सब एकजुट होकर इस बात का सबूत दें। कल जुमा की नमाज़ यहाँ पर आके नौजवान सारों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आके जुमा अदा करें और असर के बाद इस मस्जिद में एक इफ्तिताही प्रोग्राम में कई उलमाए कराम बड़े बड़े मशायखीन आने वाले हैं। आप इस महफिल में पहुंचकर इस बात का सबूत दें अल्लाह की बारगाह में कि आप जो अल्लाह के घर को आबाद करने में अपनी जो है मौजूदगी आपने जो है यहाँ पर पेश की है। आप लोग हाल ही में देख रहे हैं कितने मसाजिद हैदराबाद में, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद, टोली मस्जिद और अंबरपेट की मस्जिद और कई मस्जिद जो है इंडिया में जो है मस्जिदों के साथ बेहुरमती हो रही है, मस्जिदों को डिमोलिश किया जा रहा है। इसके ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाकर जो मस्जिद, इतनी प्यारी मस्जिद अल्लाह के बंदों ने इसको जो है बनाया है, उसको जो है रुकाने की कोशिश चंद जो है शैतानी जो है सिफत के लोग कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको निस्त नाबूद करेगा, नाकाम करेगा। हम सब को मिलकर इस बात का सबूत देना है कि हम सब मुसलमान कलमे की बुनियाद पर भाई भाई हैं, बाद में फ़िरक़े आते हैं सब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल जुमे के दिन बिल्किस मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आ रहा है। एक जलसे आम रखा गया है, एक छोटा सा एक प्रोग्राम भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों से एक तहे दिल से मैं एक अपील करता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए और अपनी जुमे की नमाज़ इस मस्जिद में अदा कीजिए अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदार, अपने ख़ानदान अफराद के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़कर यहां पर आएंगे और इस मस्जिद के इफ्तिताह को आप कामयाब करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से कुछ गैर जिम्मेदाराना जो है ना बयानबाजी हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुत्तहिद होकर अपने इत्तेहाद का सबूत पेश करने की ज़रूरत है। आप लोग इंशाल्लाह कल 1 बजे सेवन टर्म्स की रोड, टोली चौकी और जो अलसबा होटल है उसके बिल्कुल
बगल में ही एक रास्ता जा रहा है, उस रास्ते के ऊपर ही एक मस्जिद है जो माशाल्लाह प्यारी है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और बिल्कुल टोली चौकी में। और टोली चौकी में जब हम टोली चौकी का नाम लेते हैं तो टोली मस्जिद याद आती है जो बिल्कुल अभी गैर आबाद है, बहुत अफसोस होता है। तो यही टोली चौकी में एक इतनी सी प्यारी और ख़ूबसूरत मस्जिद बनी है जो बिल्कुल जो है ना बिल्किस जो है ना मस्जिद के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह तामीर हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे शैतानों की बातों में ना आए और गैर जिम्मेदाराना जो है ना बातों पे तवज्जो ना दे। हमको वो बातों से लेने देना कुछ नहीं है। आप लोग ये प्रोग्राम में जो है ना शामिल होकर इस प्रोग्राम को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए भाई, सोशल मीडिया पे जो साहब बोल रहे हैं कि मस्जिद बिल्किस को कल इफ्तिताह होने से रोका जाए तो किसी कीमत पे अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर को रोका नहीं जा सकता, इंशाल्लाह ये बात क्लियर है। अब उन्होंने बोल रहे हैं ये नोहेरा शेख की ज़मीन है, ज़मीन किसी की भी होंगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर यहाँ पर आबाद हो गया, इंशाल्लाह बिल्कुल आबाद होकर रहेगा। उनकी अपनी पर्सनल राय, हो सकता है उनको सियासी इख्तलाफ होंगे, उनसे नोहेरा शेख पर्सनल उनके इख्तलाफ होंगे, वो उनकी अपनी राय है। और रहा सवाल दूसरा मसला ये जो तंज बार बार कर रहे अहले हदीस, अहले हदीस उनको अहले हदीस के उलमाए कराम के और दाइयों के सही नाम लेने आ रहा है, लेकिन वो तंज कर रहे हैं, वो उनकी अहले हदीसों से दिली दुश्मनी है, उनके दिमागी हालात ख़राब है, इसी तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं। और तमाम मेरे जो वीडियो सुनने वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कल आप इंशाल्लाह जुमा की नमाज़ को आइए, मस्जिद बिल्किस को आइए, टोली जो कि सेवन टॉम जा रहे अल सबा होटल से पहले अंदर राइट को मुड़िए, थोड़ा अंदर आए बाद में बिल्किस मस्जिद है, आप लोग आइए। और असर की नमाज़ के बाद मस्जिद का इफ्तिताह है इंशाल्लाह, तकरीबन उलमाए कराम आने वाले, प्रोग्राम वगैरह भी है, इंशाल्लाह आइए। हाँ, मसले की इख्तलाफ एक अलग जगह है, लेकिन हम सबको चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर हम एक होकर दीन का काम करें। अगर यही बात कोई गैर सलमान बोलता तो सब के सब उठ के खड़े होते, राजा सिंह ऐसा बोल दिया, उन्हें ऐसा बोल दिया, क्या बोला कि अल्लाह के घर को आबाद होने वाले घर को रोका जाए। अगर कोई अपना नाम मुसलमान रख के अगर रोकने की बात करेगा तो उसके ऊपर अल्लाह के तमाम अल्लाह की मखलूकत की उस शख्स के ऊपर लानत हो जो अल्लाह के आबाद होने वाले घरों को रोके। लिहाजा तमाम भाई रिक्वेस्ट ये है कि ये मस्जिद हो या कोई और मस्जिद हो जहाँ पर अल्लाह की इबादत की जाती है उसको आबाद करिए, क्योंकि अल्लाह मालिक ने हमें पैदा किया क्यों है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, अल्लाह ने हमें अल्लाह ही की इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे, अल्लाह के घरों को आबाद करने की तौफीक दे। तमाम भाइयों का शुक्रिया, मीडिया वाले भाइयों को जज़ाकअल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।